हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स वेलकम टू पूजा खत्रीज चैनल सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एफएससी पार्ट वन से चैप्टर वन नंबर सेवन दैट इज द किंगडम प्रोस्टा अच्छा इसको किंगडम प्रतिष्ठा भी कहा जाता है प्रीवियसली इसको किंगडम प्रतिष्ठा कहा गया था So, सबसे पहले हम जान लें कि ट्रम्प जो प्रतिष्ठा मतलब क्या है तो ये प्रतिष्ठा जो ट्रम्प है, मतलब है, मतलब है, है, है क्योंकि इससे पहले जो किंगडम है वो किंगडम प्रोकैरियोटा है जिसके अंदर क्रेक्टेरिया साइनोबैक्टीरिया जाते हैं तो ये वो पहला किंगडम है जिसमें सारे के सारे यू कैरोटिक्स ठीक है सबसे पहला किंगडम है जिसमें सारे के सारे यूकैरोटिक्स आ जाते हैं इनमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूनिसेलर भी हैं जिनमें मल्टी भी आ जाते हैं इनमें इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस भी पाया जाता है इसमें मेम्ब्रेन माउंटेड ऑर्गेनलीज भी पाए जाते हैं इवन इनके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है जैसे कि फ्लैजिला और सीलिया जिसके कुछ क्रेस्टेटिक्स देख लें तो यूजुअली जो है हमें ये अक्वेटिक मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सॉयल में या कुछ मॉइस्टर एरियाज जो होता है मोइस्ट एरिया होता है उनमें पाए जाते हैं ज्यादातर जो प्रोटिस्टार्स की स्पेशीज होती है वो यूनिसलर होती हैं हाव ये कुछ हमें ऐसे भी मिलते हैं जो कि मल्टी से इतने मल्टी हैं कि वो एक Uh, कुछ हंड्रेड फीट्स की हाइट तक भी मतलब ग्रो कर सकते हैं जैसे कि कैल्प है अलगा का अलगा कैल्प कहते हैं तो कैल्प एक बहुत uh, बड़े एरिया तक ग्रो कर सकता है जैसे जी कैल्प भी कहते हैं बाकी यूकेरेटिक्स की तरह इनके अंदर भी न्यूक्लियस भी है, भी है, भी है जो बता चुकी हूँ अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें से भी मिलेंगे हमें इन इनमें भी मिलेंगे यानी कि कुछ अपना खाना खुद बनाने वाले होंगे कुछ ऐसे होंगे जो कि दूसरों के ऊपर भी डिपेंड कर रहे होंगे दूसरों से खाना हासिल कर रहे होंगे अच्छा इनके अंदर भी सिम्बियोसिस रिलेशनशिप देखा गया है कुछ मेंबर्स के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो जो ना दूसरे स्पीशीज के साथ जो है वो Uh, कुछ रिलेशनशिप कायम करते हैं उन, उनको या तो बेनिफिट देते हैं या उनसे बेनिफिट लेते हैं लेकिन नुकसान नहीं देते हैं तो जैसे कि यहाँ पे कैल्प यानी सीवीड का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि मल्टीसूलर प्रोटेस्टा है जो कि इसको ओटर्स को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन प्रीडेटर से बचाता है ठीक है अच्छा उनके अलावा अः पैरासाइटिज्म भी ऑब्जर्व कही है, तो प्रोटेस्टाज के अंदर पैरासाइटिज्म भी है यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली भी आ, कुछ खसूसियात है जो कि जैसे कि हम ट्रिप्नोमा का ले लें जो कि है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कराता है इंसानों में इसको हम हम डिटेल डिस्कस करेंगे उसके अलावा प्लाज्मोडियम का ले लें तो प्लाज्मोडियम भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ जाता है जो मलेरिया का करवाता है अच्छा लोकोमोशन के लिहाज से हमने कहा सीलिया फ्लैजिला भी मौजूद है कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है लोगोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है ऑर्गन तो नहीं कह सकते स्ट्रक्चर नहीं है जैसे हम तो वो मूव करते हैं बाय दूडोपोडिया सूडोपोडिया जैसे कि अमोबा की सूडोपोडियल मूवमेंट होती है अच्छा उसके अलावा अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रिटिस्टार जो होते हैं वो असेक्शुअली और सेक्शुअली दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकता है अच्छा अब आते हैं हम आ, इस आ, के ऊपर एक्चुअल बात के ऊपर दट के जो प्रिटिस्टा किंगडम है इसको हमने अननेचुरल ग्रुप का नाम दिया है ग्रुप का मकसद क्या है कि इस ग्रुप के अंदर वो सारे organisms रखे गए हैं जो कि दूसरों के साथ कोई मैच खाते थे थोड़ा बहुत थोड़ा नहीं भी खाते थे या उनसे थोड़ा डिफरेंस वेरी करते थे तो उन सबको जो एक दूसरे के साथ रिजर्विंग uh, नहीं रखते थे उन सबको मिलाकर इकट्ठा करके एक ग्रुप में डाला गया जिसे हम रेड बेड का नाम देते हैं एक जंक ड्रायर का नाम देते हैं जिनके अंदर जो भी बची कुची चीजें हैं जो हम डाल देते हैं तो इसके अंदर वही बचे कुछ जो चीजें उनको डाला गया है तो इसे अन्यचुरल ग्रुप कहा गया है अच्छा उसके अलावा अगर हम देखें तो ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है मतलब बहुत फैला हुआ ग्रुप है इसके अंदर बहुत वैरायटीज मिलेंगी क्योंकि इस ग्रुप के अंदर हमें प्लांट लाइक -like भी प्रोटिस्टार्स मिलेंगे एनिमल लाइक -like प्रोटिस्टार्स भी मिलेंगे इवन हमें फंजा लाइक -like प्रोटिस्टार्स भी मिलेंगे ठीक उसके अलावा इस ग्रुप को हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं अब पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ये जो ग्रुप है इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल्स हैं या जो भी इसमें रखे गए हैं ऑर्गेनिजम्स उनके एंसिस्टर सबके अलग अलग है कॉमन नहीं है तो बहुत सारे एंसिस्टर्स को ये शेयर करते हैं इसलिए इसको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप भी कहा गया है हालांकि ये सब अराइजिस तो एक ही पॉइंट से हुए हैं इसके जो यूनिवर्सल एंसेस्टर्स हैं वो एक ही हैं कॉमन है जो कि प्रोकैरियोटिक्स है फिर आगे जाके आगे फैल गए हैं यूकैरियोटिक्स में जिसमें प्लांट लाइक एनिमल लाइक और फनजाई लाइक है अच्छा इवन ये भी हम देखें तो आजकल हमारे पास जो मॉडर्न एनिमल्स मॉडर्न प्लांट्स या मॉडर्न फनजाए है किंगडम्स जो हम पढ़ते हैं तो वो सारे के सारे जो है वो इन्हीं की मतलब के मॉडिफिकेशन है ये मतलब कि इनके उनके ये एंसेस्टर्स हैं ये इनकी ओरिजिन है फिर वो आगे जाके जो मॉडिफाइड हो गए उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन आई उनके स्ट्रक्चर कंपोजिशन आई उनकी अडाप्टेशन आई तो उन्होंने वो अच्छी तरह से जिन्होंने अच्छी मतलब एक कर ली तो वो एक मॉडर्न फॉर्म में आ गए जिससे हम आज किंगडम एनिमल या किंगडम प्लांटम संजय के नाम से पढ़ते हैं अच्छा उसके बाद हम देखें तो इसको क्लासिफाई किया गया है इस ग्रुप को एनिमल लाइक -like, प्लांट लाइक -like और लाइक -like, के अंदर

अगर सबसे पहले हम अलगा की रिजाम्बलिंग uh, देखें प्लांट के साथ क्या है फिर उसके बाद हम डिफरेंसेस देखेंगे एंड देन डिटेल हम डिस्कस करेंगे तो भाई uh, जो प्लांट जो अलगा है अलगा है ये uh, प्लांट की तरह रिजेम्बलिंग रखता है क्योंकि अलगा के पास सेलवॉल है और वो सेल्लोस की बनी हुई है तो प्लांट्स में भी सेल्वॉल cell सेल्लोस की बनी होती है फिर अलगा भी ऑटोट्रॉप्स हैं प्लांट्स भी ऑटोट्रॉप्स हैं तो ये रिजेम्बलिंग है लेकिन जो के, के दिफरेंसे हैं हैं क्या है? के जो अलगा होते हैं वो वाटर में रहते हैं ठीक है प्लांट्स यूजुअली हमें प्लांट्स जो होते हैं वो टेरिस्ट्रियल इन्वायमेंट में लैंड पे मिलते हैं हाँ कुछ ऐसे हैं जैसे हाइड्रोफाइट्स हैं जो कि हमें पानी में मिलते हैं उसके अलावा अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखें बॉडी की तो प्लांट्स जो होते हैं उनमें प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स वगैरह मिलते हैं मतलब तो उनके अंदर हमें ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं उनमें टिश्यूज देखने को मिलते हैं अलगा के अंदर टिश्यू नहीं है ऑर्गन्स भी नहीं है इनके अंदर बस जो है ना ये एक सेल सेल का मास है बहुत सारे सेलों का मास मिला हुआ है पर इनके अंदर टिश्यू नहीं इसलिए ये डिफरेंसिस है उसके अलावा अलगा जो है उसके अंदर जो आ, गैमेट्स बनते हैं वो भी बॉडी में प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं वो पानी में ही होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी भी जरूरी होता है लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए उन्हें वाटर भी नेसेसरी नहीं होता है और उनके अलावा उनके गैमेट्स जो होते हैं वो उनके गैमेटोफाइट्स uh, में बॉडी में प्रोटेक्टेड होते हैं और एम्ब्रियो भी प्रोटेक्टेड होता है फीमेल बॉडी में इनके अंदर एम्ब्रियो भी बनता है वो पानी में ही रहता है ठीक है अब आते हैं हम अलगा के स्ट्रक्चर्स के ऊपर अलगा कितना अलगा हमें मल्टीसोलर भी मिलते हैं तो है, और, एक भी है, ठीक है, और सिंगल है, जो, वो सिंगल सेल्ड जो होंगे वो हमें माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं दिखाई देंगे ठीक है उसके अलावा ये सारे सारे अफवेटिक होंगे ये मोस्टली जो, जो है कुछ ऐसे होंगे जो दूसरों या दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे उनसे न्यूट्रेंट हासिल करेंगे अच्छा अलगा जो है हम अलजी कहते हैं टर्म और अलगा जो है इसका सिंगुलर टर्म है वैसे अलगा जो है ये इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब जो है होता है अलगन अलगन का मतलब होता है कि ये सी वीड्स हैं एक किस्म के जो है ना वो ग्रीनरी जाल है जो कि पानी के ऊपर तैर रहा होता है जो ग्रीनरी है वो नजर आ रही होती है हमें पानी के ऊपर जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं फिर इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो अलगा के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें जैसे कोलोरिला है इसमें अलवा भी आ जाता है इसमें स्पायरोडोमोनास भी है इसमें, इसमें वॉलवेक्स भी है यहां पर हम कलोरिला और अल्वा को डिस्कस करेंगे तो यहां पर एक क्लेमेडोमोनास का एग्जाम्पल है एक कोलोरिला का एग्जाम्पल है तो क्लेमेडोमोनास जो है या कोलोरिला है इसकी जगह सेल की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें

अच्छा उसके अलावा हमें जो है यहाँ क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर नजर आएगी उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को एक किस्म की कैविटीज है ये फूड प्रिपेयर करता है अपना तो एक्सेसी में जो फूड बनता है और स्टार्च में कन्वर्ट करके इसको स्टोर करता है इन पैरोनोइड्स के अंदर ठीक है अच्छा ये हो गया कि ये इसकी स्ट्रक्चर है ये क्लेमेडोमोनास में भी इसकी स्ट्रक्चर है क्लेमेडोमोनास के, के पास कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स है जैसे कि इसके पास ये फ्लैजिलम है ये सिंगुलर फ्लैजिलम है सिंगुलर फ्लैजिला है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजिला है इसके पास फ्लैजिला नहीं होते हैं तो ये जो है ना वो सिंपल सा है अच्छा ये जो होते हैं इनकी बॉडी सिंगल सेल्ड होती है यानी कि ये स्पेरिकल तो हैं लेकिन एक सेल्ड होते हैं सॉलिड्री होते हैं सिंगल रहते हैं ये कॉलोनी नहीं बनाते ना ही पिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर कोई बनाते हैं अच्छा हम अगर इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का कर, बात करें तो ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो बेशक असेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्शुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं तो अः क्या होता है कि इनका जो ये न्यूक्लियस है दिस इज अलियस ये न्यूक्लियस जो होता है एक सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होता है

फिर तो उसके बाद क्या होगा कि इस हर एक जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा, थोड़ा साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा जब ये सारा पूरा साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आठ से सोलह बन जाएंगे तो इन स्पोर्स को हम क्या कहेंगे इनको हम अपलानो स्पोर्स कहेंगे ठीक है एप्लानो स्पोर्स जो बनेंगे उसके इर्द गिर्द हर एक अपलानो स्पोर्ट के इर्द जो है वो प्रोटेक्टिव कवर होगी और जब ये आठ से सोलह बन जाएंगे तो ये जो वाल है है इस को uh, करके यहां से ये रिलीज आउट हो जाएंगे बाहर से की में जिन्हें हम स्पोर कहेंगे और वो स्पोर जो है इंडिविजुअली एक वेजिटेटिव सेल में ग्रो करेगा ठीक है तो ये स्पोर जो होता है इसे नॉन मोटाइल एप्लानो स्पोर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कभी किस्म की फ्लैजिला वगैरह नहीं होती है ये मोटाइल नहीं होते हैं ये वाटर के अंदर रहते हैं तो पानी की मदद मतलब से अपलानो स्पोर फैल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे और वहां पे

लेकर उस पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उसके अलावा ये अल्टरनेटिव सोर्स भी मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स का ये एक सोर्स भी है खाने का खाने का भी काम खाने के भी काम आता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा हमारे लिए क्या बेनिफिट है कि इससे एंटीबायोटिक्स भी बनाई गई रिसेंटली इससे एंटीबायोटिक बनाई गई है जो कि बैक्टीरियल डिजीज को या उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है सो so, ये हो गया आपका कोलोरेला जिस, जिसके अंदर हमने इसकी डिस्कशन की अच्छा इसके हम अपलानो स्पोर्ट देख लें तो ये हैं ये अपलानोस्पो है, है वो है अल्वा अल्वा जो है इसको कॉमनली कहा जाता है सीलिट्यूस दरअसल में ये सलाद की पत्ते की तरह होती है इसीलिए इसको हम सीलुट भी कहते हैं तो सलाद के पत्ते की तरह होती है इसे हमें सील्यूट्यूस भी कह रहे हैं अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो या इसकी जो है वो हम ग्रोथ एरियाज की बात करें कहाँ पे ये ग्रोथ करता है तो सबसे पहले तो ये मैरिन अलगा है जो जो कॉलरिला था वो फ्रेश वाटर अलगा था ठीक है वो साफ पानी में मीठे पानी में मिलता था जहां पे भी खड़ा हुआ पानी होता था फूले डिचेज या फिर जो है ना वो पॉइंट वगैरह होते थे उनमें खड़ा हुआ पानी होता था उनमें ग्रो करते थे लेकिन अलवा जो है वो मेरीन वाटर में ग्रो करता है तो इसे मेरीन अलगा कहते हैं या सीलिट्यूज भी कॉमनली कहा जाता है ये कहाँ पे ग्रो करते हैं जो ये कोस्टल एरियाज होते हैं सी के कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे ग्रो करते हैं जहां पर भी इसको कोई हार्ड ऑब्जेक्ट या कोई रॉकी एरिया मिलता है तो उन एरियाज के साथ ये अटैच्ड होते हैं ये किस तरह से अटैच्ड होते हैं तो इनके पास क्या होता है इनके पास कुछ आ, थ्रेड लाइक होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होती हैं, थ्रेड लाइक -like अपीरेंसेज होती हैं, थ्रेड लाइक -like स्ट्रक्चर होती हैं, जिनकी मदद से ये क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच रहते हैं जिसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं

साइज uh, की बात करें तो साइज इसकी लॉन्ग कितनी होती है तो थर्टी सेंटीमीटर में लॉन्ग होता है और फाइव सेंटीमीटर में इसकी जो ना वो होती है है इतना साइज में होता है। लेकिन ये मल्टी है याद रखें कोलोराला जो है सिंगल सेल्ड होता है एक्सेल वाला होता है ये मल्टी मल्टीसेलुलर होता है अच्छा अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो क्या होता है कि इसके अंदर दो जनरेशन हैं यानी कि इसके अंदर हमें दो फॉर्म्स नजर आएंगी इसकी

लेकिन अगर हम चूंकि देखना चाहें हम देखें अलवा को तो अः मार्फोलॉजिकली हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा फाइट है या स्पोरोफाइट है क्योंकि स्पोरोफाइट अलवा और गेमेटोफाइट अलवा मार्फोलॉजिकली सेम ही होती है इसीलिए इसको आइसोमार्फिक भी कहा गया है अच्छा अलवा के अंदर असेक्शुअल और सेक्शुअल प्रोडक्शन दोनों पाई जाती है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छा अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें लाइफ साइकिल में हमें अल्टरनेटिव जनरेशन मिलेगी यानी इसकी दो जनरेशन मिलती हैं और इसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन और असेक् प्रोडक्शन दोनों होती है चले हम स्टार्ट करते हैं यहां से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये एक मैच्योर मतलब के मैच्योर स्पोरोफाइट है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है ट्वेंटी सिक्स है यानी फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम है अब क्या होता है कि इसकी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्स इस रिप्रोडक्शन में शामिल होते हैं अब उन सारे के सेल्स में से अगर हम एक सेल की बात करें तो वो एक सेल जो होता है इसे हम स्पोरनजियम कहते हैं और दो सेल्स हैं तो इसे हम स्पोरनजिया कहेंगे हर एक सेल के अंदर यानी कि एक सेल ये एक सेल ये एक सेल ये स्पोरनजियम कहेंगे ज्यादा होंगे स्पोरनजिया कहेंगे क्या होता है इन हर एक सेल के अंदर होती है एक डिवीजन जिसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं यानी कि मियोसिस होती है क्योंकि मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ होते हैं अब क्या होगा कि इन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे हर एक सेल जो होता है उनके अंदर मियोसिस होगी और उस मियोसिस के नतीजे में क्या होगा कि हर एक सेल के अंदर कुछ 8 से 16 की तदाद में स्पोर्ट्स बनेंगे कुछ से सोलह की तदाद में स्पोर्ट्स बनेंगे उन स्पोर्ट्स को हम क्या कहेंगे उन स्पोर्ट्स को हम कहेंगे जू क्यों क्योंकि इन स्पोर्ट्स के अंदर फ्लैजिला फ्लैजिला मौजूद मौजूद होता है इन के अंदर होते हैं जो इनको मूवमेंट करवाते हैं या मोटाइल क्योंकि जू स्पोर का मतलब होता है मोटाइल स्पोर्ट एप्लानो स्पोर्ट मोटाइल नहीं थे नॉन मोटाइल थे लेकिन इनके अंदर जो जू जूसपोर्ट्स बनेंगे या स्पोर्ट बनेंगे उनको जू स्पोर कहेंगे जो कि मोटाइल भी होंगे और दूसरी बात ये ज़ूस स्पोर्स क्या होंगे ये हैप्लोइड होंगे यानी इनमें क्रोमोसोमल تعداد क्या होगा 13 होगा 26 से 13 हो जाए क्योंकि इनमें मियोसिस हुई है अच्छा ये स्पोर्स जो होंगे ऐसे क्या होंगे ये क्वाड्रनरी फ्लेजिलेटेड स्पोर्स होंगे यानी इनमें चार जो है वो फ्लैजिला होंगे अच्छा उसके बाद क्या होगा ये कुछ टाइम के लिए प्रोपेल करेंगे मूव करेंगे आ, हरकत करेंगे हरकत करने के बाद ये अपनी जो लॉस कर देंगे लॉस करने के बाद मीडियम मिलेगा लॉस करेंगे तो लॉस करने के बाद ये क्या करेंगे ये माइटोसिस करेगा यानी कि ये एक दूसरी डिवीजन है टाइप है सेल की डिवीजन की जो के क्या करती है जो के बॉडी के अंदर सेल्स का नंबर तो इंक्रीज करवाती है लेकिन क्रोमोसोमल नंबर वही रहता है जो इनमें था जैसे है थर्टीन था, 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 था तो बाकी जितने भी इनमें से सेल बनेंगे उन सब में भी थर्टीन का ही तादाद रहेगा अच्छा माइटोसिस होगी माइटोसिस के नतीजे में क्या होगा ये दोनों इंडिविजुअली माइटोसिस करेंगे और इसके नतीजे में एक मल्टीसेलर स्ट्रक्चर बनेगी को हम क्या कहेंगे को हम रहेंगे. लेकिन याद रखिएगा ये गैमेटोफाइट क्या होगा हो है? चूंकि है. है? है. हम इसको मॉर्फोलॉजिकली देखें तो हमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों के लिए आइडेंटिकल होते हैं होते हैं अच्छा ये गैमेटोफाइट जो है यानी कि जो है अल्वा है ये क्या करता है इन गेमेटो फाइट के अंदर भी सेल्स होंगे उन सेल्स को हम क्या कहेंगे गेमेटोग कहेंगे तो फाइट है गेमेटोफाइट के अंदर जो भी गेमेटोगिया है इन गेमेट्रोगोनिया के अंदर क्या होगा इन गेमेट्रोगिया के अंदर होगी माइटोसिस क्या होगी

एक ही होगी आपस में फ्यूजन फ्यूजन के नतीजे में क्या होगा ये गैमेट डिप्लॉयड हो जाएगा ये गैमेट्स क्या होंगे डिप्लॉयड होंगे और इसके नतीजे में क्या बनेगा Zygode बनेगा Zygode जो होगा वो क्या होगा डिप्लॉयड होगा क्यों क्योंकि थर्टीन क्रोमोजोम इसमें और थर्टीन क्रोमोजोम इसमें जब थर्टीन थर्टीन क्रोमोजोम वाला गैमेट आपस में फ्यूज होगा तो अगेन वो क्रोमोजोम सेट 26 का बन जाएगा और वो जयगेड बनेगा और जायगोड के अंदर जो मजीद डेवलपमेंट होगी वो माइटोसिस ही होगी और माइटोसिस के नतीजे में अगेन इससे एक और अल्बा बनेगा जो कि मैच्योर स्पोरोफाइट ही होगा और मैच्योर स्पोरोफाइट से अगेन गैमेटोफाइट बनेगा गैमेटोफाइट से फिर से स्पोरोफाइट बनेगा तो ये अल्बा की लाइफ साइकिल है जो कि अल्टरनेट है मतलब कि चेंज होती रहती है तो इस स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनाते रहते हैं अच्छा इसके बाद हमारे पास जो तीसरा एग्जाम्पल इसके अंदर डिस्कस करने वाला है वो है युगलीना अगर यूगली के स्ट्रक्चर की बात करें तो युगलिना के अंदर हमें यूकेरटिक है तो ये न्यूक्लियस भी मिलेगा इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है साइटोप्लाज्म भी है इसके रील मेमब्रेन भी है अफकोर्स इसके अंदर क्या है कॉन्ट्रेक्ट्राइल वेक्यूल भी मौजूद है अच्छा अगर हम बात करें कि ये प्लांट लाइक किस तरह एनिमल लाइक किस तरह तो सबसे पहले एनिमल लाइक -like इस तरह से है कि इसके अंदर एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है जो कि इसे लोकोमोशन में हेल्प करती है तो ये कैरेक्टर हो गया है एनिमल लाइक -like. दूसरा इसकी जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द इसके बाद एक्स्ट्रा एक कवरिंग होती है प्रोटीन की कवरिंग होती है जिससे हम कहते हैं पैलिकल जो प्रोटीन की बनी होती है तो ये दोनों खासियतें या, या, ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या है एनिमल लाइक -like है इसकी वजह से हम इसको एनिमल भी कंसीडर कर रहे हैं

स्टोर करते हैं अगर पैरानोट नहीं भी है तो उसके अलावा ग्रेन्यूल्स भी होते हैं जो स्टार्च को स्टोर करते हैं तो ऑल अबाउट दी प्लांट लाइक नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल लाइक प्रोटेस्ट को डिस्कस करेंगे